शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंसान की जिंदगी भी उसी धागे से बुनी गई है जिससे शब्दों का माया जाल बनाया गया है। अगर हमारे पास शब्द ही ना होते तो हम लोगों से अपने जज्बात का बयां किस तरह करते। अम्मा कई भी एक ऐसा ही इंसान था जो बोल नहीं पाता था, वो सिर्फ एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता था, अम्मा कई, अम्मा कई। आखिर क्या था इस शब्द का मतलब, अम्मा कई, और क्या थे अम्मा कई के इरादे? चलिए जाते हैं अम्मा कई की दुनिया में और पता लगाते हैं। अम्मा कई, अरे सुन तो सही, कहाँ जा रहे थे? क्या हो रहा है ये? छोड़ो उन्हें। अरे दादा चाय बना रहे हो? हाँ। एक कप मेरे लिए भी बना दो। दादा। हाँ। कल रात का सुना? क्या हुआ? अरे मनोज, अपने मनोज महाजन जी गांव के, उनके और उनकी बीवी को कल किसी ने घर में घुस के मार दिया। पुलिस लगी हुई है वहां पर, जांच पड़ताल चल रही है। दादा इतने बड़े बाहुबली और कोई उनका घर में घुस के मर्डर कर दिया, कोई तो झगड़ा वाला हो गई ना?
दद्दा डबल रोटी है क्या? नहीं लाता हूं। मकई नए फोटो वीडियो डाउनलोड किए हैं, देखेगा? अरे एकदम नए लेटेस्ट है, डाउनलोड करके लेके आ रहा हूं, देख। अरे देख ना, अरे देख ले। अरे 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 ऐसे थोड़ी ना, क्या फ्री में नहीं मिलेंगे, पैसे लगेंगे पैसे। चल पैसा निकाल, देखना है पैसा निकाल, चल ना। वीडियो देखना है ना, खोलना। अरे यार उधर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। अरे यहां दे पैसे, बैठ 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 बैठ। आगे देख, आगे देख, अगला देख। तुझे कितनी बार समझाया है इसे एक गंदगी मत दिखाया कर। अरे दादा मैं तो हीरो हीरोइन का फोटो दिखा रहा हूँ ना इसको। चुप, बिल्कुल चुप, निकल यहां से। ठीक है चल। अब आ गए। देख मोहल्ले में पुलिस आई हुई है, कुछ दिन घर के अंदर ही रहना है, और अगर तू बाहर निकला ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब आ गए। देख मैं बाजार जा रहा हूँ। अब काय बस एक ही बात कहता रहता है, अब क्या करूं मैं तेरा। अब काय, अब काय। अम्मा काय, अम्मा कही, अम्मा कही, सुन, आजा, 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 आ जल्दी आ, अरे आना, चल, आजा, आजा। अरे बस ना, कितना देखेगा सब, सब आज ही सीखेगा क्या? अरे देखना बैटरी, उसकी बैटरी कम है, घर जाके चार्ज करूंगा, रात में देख लेना। कल रात तू कहां था? तू रात भर यहां से वहां घूमता रहता है। मनोज के घर में जाते हुए तूने किसी को तो देखा होगा। अम्मा की छत तेरी की, फिर वही बात। अरे कभी तो कुछ नया बोल दिया कर। अरे अब अमकई, अमकई, अरे कहाँ जा रहे है अमकई? अरे सुन तो, नमस्ते, वेलकम, आपका स्वागत है। thank you. आपका मकान देख लीजिए।
सब सामान रखवा दिया है और मेरे लायक कोई सेवा हो कॉल कीजिए। हाँ हाँ, और आपकी ब्रोकरेज भी मैं आपको अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिर नया घर, नया शहर, नए लोग। टीचर साहिबा, अगर इसी तरह आपके ट्रांसफर होते रहे ना तो हमारी पूरी लाइफ घर बदलने में निकल जाएगी। क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी है ना, जहाँ जहाँ सरकार भेजेगी जाना तो पड़ेगा। आज इस शहर में हमारा पहला दिन है, घर सेट करना है। तुम हाथ मुंह धोकर चेंज कर लो, मार्केट भी तो जाना है, चाय पियोगे? अरे अमाकई, अमाकई, अरे सुन ना, इधर आ, नीचे। अमाकई, मैं तुझे पूरी बस्ती में ढूंढ रहा हूँ। अरे क्या, और तू यहाँ पर है? क्या कर रहा है यहाँ पर? किसका घर है ये? तेरी बेटा, तू वीडियोस देख देख के इतना बड़ा हो गया कि अब औरतें ताड़ रहे हैं। चल, तेरा दादा तुझे बुला रहे हैं। चल, अरे चल, चल ना। अमाकई, अरे चल, चल बैठ, चलो। रंजन तू जा, हम दोनों को कहीं निकलना है। कहाँ जाना है दादा? अरे मैं छोड़ देता हूँ, बाइक है मेरे पास। तू जा, हम दोनों खुद चले जाएंगे। दादा, अरे अरे सुनो तो सही। जा। अब मौके ही। देख, मनोज महाजन की मौत की जांच बहुत तेजी से हो रही है और मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ भी हो। हम इस शहर में नहीं रहेंगे। अम्मा कही। दादा, जब वो नहीं जाना चाहता तो क्यों उसके जबरदस्ती कर रहे हो? तू ना, हम दोनों के बीच में मत आ। जा तू यहां से। अरे जाना, समझा के नहीं? अच्छा तो ना, और अभी इसके अलावा हमको चाहिए एक पानी का टब और हाँ हाँ, और वो सब कुछ जो तुम ऑलरेडी इस लिस्ट में लिख चुकी हो। सब कुछ लिस्ट में नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ लेना है हमको। पीछा क्या कर रहा हो? कोई पागल लगता, छोड़ दो उसे। अमक, छोड़ दो, चलो। अमक गई। अमक गई, अमक गई। चल बेटा। अमक गई। हाँ भैया, एक कप और मिलेगी? उधारी में एक ही चाय मिलती है, दूसरी के पैसे लगेंगे। दूं चाय?
नहीं रहने दो। देख देख बेटा, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। जब पुलिस की टेंशन खत्म हो जाएगी तब हम घर जाएंगे, समझा? जा, तुझे जहां जाना है। अरे प्रणाम सिंह भैया, कैसे? एक चाय पिलाओ। चाय तो शायद हो जाती है। मनोज भैया का सुना, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। कुछ पता चला किसने मारा, क्यों मारा, कुछ भी भैया? आज नहीं तो कल पता चली जाएगा। बड़े भैया की मौत का वो बदला लूंगा ना कि साला सोच भी नहीं सकता। बस एक बार पता चल जाए कि किया किसने था। पुलिस पुलिस तो बाद में सजा देगी, पहले मैं इस साले को चीर कर रख दूंगा। इनाम रख रहा हूं उसके ऊपर, जो भी उसका नाम बताएगा ना उसे मैं 50,000 इनाम दूंगा। भैया 50,000 में क्या होता है आजकल? नहीं मतलब थोड़ी सी आप इनाम की राशि बढ़ाएं तो शायद कहीं कुछ पता चल जाए आपको। अमकई पैसे दे, पैसे दे, अरे पैसे दे ना। अमकई पैसे दे। ए पहरा हुआ क्या? किन ख्यालों में डूबा हुआ है? अमकई तो से बात करो, पैसे दे, पैसे। जिस दिन मनोज भैया और उनकी बीवी का कत्ल हुआ, तू साथ उनके घर गया था ना उनसे मिलने? मनोज दादा और उनकी बीवी का कत्ल तूने किया है? सुन सुन, रुक रुक रुक, तू कहां जा रहे? बात कर, हमसे बात कर। सुन, तूने तूने हेलो सुनील भैया, thank you.
अम्मा कहीं नहीं बेटा, बेटा नहीं, जाए यहाँ से बेटा, नहीं अम्मा कहीं। डरिए मत मैडम, ये अनजान लोगों के साथ ऐसा ही करता है, इससे आपको खतरे की कोई बात नहीं है, पागल है बेचारा। मुझे नहीं पता उसने कुछ नहीं किया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ बुड्ढे, बता उसने कुछ नहीं किया। अरे वो तो पागल है, वो किसी का खून कैसे कर सकता है। हेलो ना बोल, आ रहा मैं। चल है? आया था यहाँ पर, फिर चला गया। किधर गया? पता नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, यहाँ के एक बाहुबली है सुनील जी, जो अम्मा के पागल को ढूंढ रहे थे। क्यों? पता नहीं मैडम, कोई तो शरारत की होगी उसने। शरारत? अच्छा, किसी ने खूब कहा था कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मगर अम्मा कई को देखकर साफ जाहिर होता है कि उसे जमीन और आसमान ही नहीं बल्कि दोनों जहां मिल गए हैं। अम्मा कई को दिव्या में न जाने क्या दिख रहा था, वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी को तपते हुए रेगिस्तान में ठंडे पानी का घड़ा मिल गया हो। क्या होने वाला था इसके बाद अम्मा कई और दिव्या के साथ, वो अच्छा था या बुरा, चलिए देखते हैं। अम्मा कई, क्यों आए तू यहाँ? जा तू यहाँ से, क्यों आया तू यहाँ? जा यहाँ से, अब आके जा। अब आके अब आके अम्मा कई अब क्यों किया तूने ऐसा? अब आगे सर, भैया कुछ भी करिएगा, जान से मत मारना उनको, बस उसने मेरे बड़े भाई को मारा है और उसे कोई पुलिस सजा नहीं देगी, मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। और अगर तूने मेरे मकसद में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो तू भी मारा जाएगा। भैया मैं चलो, वहां गए। Oh my God.
तू यहाँ से कहीं भाग ना जाए, इसलिए मुझे तुझे बांध के रखना पड़ रहा है। तेरी जान को खतरा है। पीछे मोड़ पे मैंने दोनों को छोड़ दिया। अरे अब तो चुप हो जा। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुझे उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। देख हम गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास उन जैसी ताकत नहीं है। दया दृष्टि बनाए रखना, तुम्हारे चरणों की धूल Yeah।
अच्छे से ढूंढो बे। एक छोटा सा कस्बा है, कोई अमेरिका नहीं। तुमसे दो लोग नहीं ढूंढे जा रहे, एक एक कोना छान मारो और जहां मिले सालों को काट दो। जान से ढूंढो उन्हें, बचने की कोशिश में वो लोग बस स्टैंड गए होंगे, लेकिन उन पागलों को ये नहीं पता कि जिले में बस सर्विसेज बंद है, वहीं कहीं दुपक्कर बैठे होंगे। एक काम करो, तुम बस स्टैंड पे ढूंढो और मैं बस्ती में ढूंढता हूँ। सांस नहीं ले रहा, हाँ।
ये शुभ काम किसने किया है? तुम दोनों ने? बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो ये मेरे हाथों से मर जाता। दिव्या, जल्दी से गाड़ी में बैठो। बुड्ढे, बहुत कोशिश की था तूने इसे बचाने की, देख मर गया ना। अब तू भी जल्दी जाएगा इसके पास, बस थोड़ा इंतजार कर। हमने ये जानबूझ के नहीं किया था। अम्मा का ये हमारे घर में घुस आया था, इसीलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। उसने इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आप जानते हैं उसे अमा का ही क्यों कहते थे? मकबूल नाम था उसका। जब वो 7 बरस का था तब मनोज महाजन उसकी माँ को उठा कर ले गया था। उसकी उसके माँ पे बुरी नजर थी। उसने एक ही सवाल किया, अम्मा कहाँ है? लेकिन उसकी अम्मा उसे नहीं मिली। वो बरसों बरस तक पूछता रहा, अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, ये कहते कहते उसकी जुबान घिस गई थी और वह कहने लगा, अम्मा कहीं, अम्मा कहीं। आप कहती हैं उसने आपकी इज्जत टूटने की कोशिश की? नामुमकिन, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। सबूत चाहिए आपको? आप उसकी अम्मा जैसी दिखती है, वो अम्मा जिसे वो बरसों बरस तक पुकारता रहा। वो भला उसका रेप क्यों करना चाहेगा? वो तो आपका बेटा बनकर आपके गले लगना चाहता था। बिल्कुल ऐसे ही दिव्या के गेट के बाहर अम्मा कहीं भी खड़े रहता था। अम्मा कहीं एक ऐसा सवाल था जिसमें जज्बात थे। दिव्या, गिरीश और पूरा शहर इस सवाल में छुपे दर्द को समझ नहीं पाया।
हमेशा इससे अनजान थे। अगर उन्हें इसका मतलब पता होता तो शायद दिव्या और गिरीश गलत फहमी में आकर उसकी हत्या ना करते। अगर मनोज को इंसानियत का मतलब पता होता तो शायद वो अम्मा कही की माँ को उठाकर नहीं ले जाता, और शायद शायद आज वो भी जिंदा होता। दिव्या और गिरीश ने जज्बात में बहकर जो जुर्म किया उस पर पछताए भी, आत्मसमर्पण भी किया, क्योंकि जुर्म और जज्बात के इस दास्तान ने एक बार फिर अम्मा कई को जिंदा कर दिया। चलिए चलता हूं, मिलता हूं फिर एक और नई कहानी के साथ जुर्म और जज्बात पर। सी या।